हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब खुश हैं, सब हैप्पी हैं। तो आज अभी इवनिंग का रूटीन शूट करती हूँ, तो इवनिंग रूटीन है। तो अभी चाय बनाएंगे, फिर खाना डिनर वगैरह बनाएंगे नए दिन नए ब्लॉग के साथ। तो पहले चाय बनाते हैं मेरी और पापा जी के लिए। तो तीन दिन से शूट नहीं किया था फ्रेंड्स, मेहमान लोग सब गए। हमारे दर्शन बहुत अच्छे हो गए शिव जी के त्र्यंबकेश्वर में। वहाँ सुंदर दर्शन हुआ ना, बहुत बढ़िया हुआ। आप लोग भी जाइएगा जरूर एक बार नासिक त्र्यंबकेश्वर में, बहुत बढ़िया दर्शन हुए अच्छी तरह से। फ्रेंड्स, मैं पापा जी को चाय देके आती हूँ। फ्रेंड्स, आलू की सब्जी बनाएंगे तिल डाल के। ये मैंने सेक के इसको दरदरा पीस लिया है, काले तिल हैं। अभी आलू डाल देंगे, आलू मैंने कट कर लिए हैं, अभी इसको पहले फ्राई कर लेंगे। कड़ी पत्ता डाल देंगे, अभी आलू को फ्राई कर लेते हैं। चावल तो बन गया है, चावल तो इधर बना दिया मैंने, अब इसमें दाल बन रही है। तुअर की दाल है इसमें, और थोड़ी सी मैंने मसूर की दाल डाली है, थोड़ा सा मुट्ठी भर, और टमाटर प्याज लहसुन हरी मिर्च मैंने ऑयल में डाल दिया है। ये आलू को थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। थोड़े से टमाटर डालेंगे, ये आलू की ऐसी चटनी टाइप बनेगी दाल राइस के साथ साइड डिश में। आलू थोड़ा साइड कर देते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे,
हरी मिर्ची, सब अपने टेस्ट से। थोड़ी सी हल्दी, बस अभी 5 मिनट के लिए और पकाते हैं, फिर उसमें तिल डाल देंगे सेका हुआ। नमक डालेंगे, अभी एक तिल डाल देंगे, ये सेका हुआ तिल है, काला तिल है। एक 2 मिनट के लिए और पकाएंगे, फिर तैयार। नींबू का रस डालेंगे, तिल वाले आलू की चटनी तैयार है। तैयार है फ्रेंड्स तिल वाले आलू, बहुत अच्छे लगते हैं दाल राइस के साइड डिश में, आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं और दाल राइस के साथ भी साइड में बहुत अच्छा लगता है। चलिए अभी दाल को बघार कर ली है, बस रोटी बनानी है। तैयार है फ्रेंड्स डिनर, तैयार हो गया है, राइस बनाया है और ये सलाद, दाल, मैंने थोड़े से इसमें हरे मटर भी डाले हूँ और ये आलू की चटनी, ये मिर्ची की चटनी और रोटी बनाया है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा लगता है चटनी। तो चलिए डिनर कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स ये वीडियो को मैं यहाँ एंड करती हूँ, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, गर्मी बहुत है, बहुत पसीना आ रहा है, तो अभी डिनर करते हैं। तो ये चटनी ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग भी, तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। तो चटनी अच्छी बनी है ये तो ज़रूर ट्राई करना, अभी हम डिनर कर रहे हैं, तो